राइट, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ठीक है जी, आगे चला जा। अच्छा जी, यहां से शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, टुक मी अ बिट ऑफ टाइम। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है ना, कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। अब यहां पे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड कंपाउंड्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। लाइक ड्राई फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन्स आपने पीछे पढ़ लिया था, ग्लाइकोलिपिड्स आपने पढ़ लिया था। स्फिंगोमाइलिन्स के अंदर आपका सल्फरेशन होती थी, ग्लाइकोलिपिड्स में आपका ग्लूकोज ऐड हो जाता था। ठीक हो गया। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ सेरामाइड, सेरामाइड्स आपके अल्कोहल बेस्ड लिपिड्स थे। ठीक है ना, विच अलोंग लॉन्ग फैटी चेन्स आर अटैच टू अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन्स। ठीक हो गया। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स है फाइनली, वो वाले, इनकी अगर डेफिनेशन बताएंगे तो लॉन्ग फैटी एसिड्स अटैच टू अमाइनो अल्कोहल एंड स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक हो गया। और अब आपको ये चीज पता है कि अमाइनो अल्कोहल और फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। अब ये कैसे अटैच होते हैं मैं आपको बताऊंगा। देयर आर देयरफॉर मोर प्रिसाइसली कॉल्ड ग्लाइको स्फिंगो लिपिड्स। थ्री पार्ट्स है, 1, 2, 3। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। चलो जी, हर दफा नेक्स्ट स्लाइड में मुझे तंग करना इससे। दफा करो यार। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आप आ जाते हैं। अच्छा जी, ग्लाइकोलिपिड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड कंपोनेंट्स। यहां तक तो बात होगी हमारी, ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं लाइक अदर फॉस्फोलिपिड्स, जिनके अंदर फॉस्फेट होती है, स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड्स और डेरिवेटिव्स ऑफ सेरामाइड, सेरामाइड मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये यहां तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। सबसे पहले ये न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है, और उसके बाद ये एसिडिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, सॉरी बेबीज, ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। जो न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं, ठीक है, जी बेटा बोले ताहे, शायद बोले, मैं अभी आपको शुरू करने लगा, सॉरी थोड़ा सा ये इंटरप्शन हो रही थी स्लाइड पर। बोले इफ देयर इज एनीथिंग, राइट राइट मैसेज, मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूं, रेजिंग हैंड्स। ठीक है, यस इकरार, प्लीज स्पीक अप, व्हाट डू यू नीड टू नो, जस्ट रेजिंग योर हैंड्स। ऑलराइट, कम ऑन, लेट्स गो बैक टू द। अच्छा जी, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के अंदर सबसे पहले न्यूट्रल है। न्यूट्रल्स की दो टाइप्स हैं, 1 और 2। न्यूट्रल के आगे दो टाइप्स हैं, सेरामाइड मोनोसैकेराइड्स, सेरामाइड ओलिगोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, ये हम लोगों ने आपको पहले पढ़ाया हुआ कार्बोहाइड्रेट। सेरामाइड मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड विद अल्कोहल, एफ प्लस अल्कोहल, एफ प्लस ए। ठीक है, इसके अंदर अब आपके पास देखें क्या चीज है, सेरिब्रोसाइड्स इसका प्रोडक्ट है। सेरिब्रोसाइड्स, बेटा ये नाम याद रखना,
फॉर एग्जाम्पल सेरामाइड गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड है जो कि अगर सेरामाइड के साथ अटैच होगा तो वो सेरिब्रोसाइड बनाएगा। अब ये चीज जेन में रखिएगा, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि सेरिब्रोसाइड क्या चीज है तो आप कहेंगे सेरामाइड प्लस गैलेक्टोज। अब ये सेरिब्रोसाइड क्या चीज है? दीज आर न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, इनको सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं। लाइक द रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स दैट यू हैव इन योर बॉडी, द न्यूरॉन्स हैविंग ब्रेन लोकेशन, दे आर कॉल्ड सेरिब्रोसाइट। सो वन ऑफ द टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्लाइकोसफिंगोलिपिड्स इज सेरेबाइड मोनोसैकेराइड, या सेरेबाइड ग्लैक्टोज, विच फॉर्म्स सेरिब्रोसाइट इन द ब्रेन। द अदर वन इज cerebroside oligosaccharides, for example ceramide, glucose and galactose, addition of one more carbohydrate, that is globosides. Again, globosides are the found in the brain. They are part of the neurons of the brain. बेटा इस चीज को याद रखना, they will be asked as it is from you. तो मैं आप लोगों को explain कर रहा हूँ, बाद में आपके लिए ढूंढना मुश्किल होगा, तो pay attention to this. These are part of the neurons of the brain, but they manufacture the dendrites. अगर आप न्यूरोन का स्ट्रक्चर याद रखें तो ये एक न्यूरोन का हेड होता था, एक उसकी पूरी की बॉडी ट्रंक होती थी और एक उसकी टेल होती थी जिसके अंदर वो डेंड्राइट्स बनाता था। ये डेंड्राइट्स ये सिनैप्टिक प्लेसेस बनाते थे, इन सिनैप्टिक प्लेसेस इन डेंड्राइट्स को ग्लोबोसाइट्स बनाते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस के अंदर आते हैं, ठीक है बेटा, आगे देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका सेरामाइड कैसे बनता है। सबसे पहले सेरामाइड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखें, कोलीन आपको मैंने कहां पे पढ़ाई थी, एसिटाइल कोलीन मैंने आपको पढ़ाई थी बाइल सिंथेसिस के अंदर। ये वही वाला कोलीन है जो कि ड्राइव हुआ था वहां से, इसका वही स्ट्रक्चर देखें कि इसके अंदर आपके वही कार्बन है, नाइट्रोजन उसी तरह अवेलेबल है और इसके अंदर डाइफॉस्फेट बॉन्डिंग बनी है, फॉस्फेट बॉन्ड बनाया है इसने स्फिंगोसीन के साथ। ये मॉलिक्यूल स्फिंगोसीन का है और ये देखें ये दो फैटी एसिड्स हैं, सो वन एंड टू फैटी एसिड जॉइनिंग टू द स्फिंगोसीन मेकिंग स्फिंगोलिपिड। ये स्फिंगोलिपिड बन गया, स्फिंगोलिपिड ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया फॉस्फोराइलेशन के साथ कोलीन के साथ। कोलीन इज again driven from the same structure of bile. देखो क्या दूसरी तरफ से आ जाएं जी। अब n glycosidic bonds थे, o glycosidic bonds थे और अब हम o glycosidic bond के अंदर आते हुए दोबारा से अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास अब क्या बना। अब हमारे पास सेरामाइड oligosaccharide, ये हमारे पास बना है मोनोसैकेराइड। अब oligosaccharide है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अभी आपके टेस्ट में सवाल आया था, लुक एट हियर, यहां पे आपका एक सेरामाइड आ गया, दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल, ये आपके फैटी एसिड है, ये आपका फैटी एसिड है, ठीक है। अगेन लुक एट दिस, दिस इज अ गैलेक्टोज विच इज अ पोलर एंड फॉर्मेशन विद अ सेरामाइड, कंप्लीट सेरामाइड, इसी का यानी एक मोनोसैकेराइड के ऊपर एडिशन हुई है गैलेक्टोज की, तो वो जाके आपका अल्लाह भला करे बना है एक मोनोसैकेराइड सेरामाइड मोनोसैकेराइड के ऊपर जब गैलेक्टोज की एडिशन हुई है, यहां पे ये देखिए ये गैलेक्टोज की एडिशन हुई है तो ये ऑलिगोसैकेराइड बन गया। सो स्फिंगोलिपिड्स की पहली टाइप है न्यूट्रल्स, उसके अंदर है मोनो और ओलिगो और दोनों बनते किससे हैं, सेरामाइड से, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट जो इसका है टाइप वो है एसिडिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, एसिडिक्स, ठीक है जी। पहला न्यूट्रल है एसिड, एसिडिक के अंदर दो टाइप है, वन एंड टू। पहला है गैंग्लियोसाइट्स। अब आप लोगों ने ब्रेन का जब एनाटॉमी पढ़े हैं, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ते हैं और स्पेशली आप डेंटिस्ट को तो बहुत ज्यादा पता होता है क्योंकि आपके फेशियल गैंग्लिया को आपने बहुत ज्यादा बचाना होता है। सो दीज आर गैंग्लियास जो कि दे आर फॉर्म्ड बाय द एसिटिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। द फॉर्मेशन ऑफ गैंग्लिया
is from glycosphingolipids, so gangliosides. They are derivatives of ceramide. वही दोबारा ceramide का basic structure आ गया, ठीक है. Oligosaccharides, ठीक है, oligosaccharides भी उसी तरह आ गए, यानी ये बन गए ceramide oligosaccharide, यहां तक ये बन गया, and contain one more molecule. अब इसके अंदर एक और molecule आ गया, एक और addition हो गई, and that is nitrogenous है, जिसका नाम है नाना. बड़ा प्यारा नाम है नाना, ठीक है जी. नाना stands for N acetyl numeric acid, ठीक है, न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है. ये एन एसिटाइल क्या है? एसिटाइल हमने वहीं पे पढ़ा था जब हमने एसिटाइल को ए पढ़ा था. एसिटाइल को ए पीछे पढ़ा के आ रहा हूं ना. अब उस एसिटाइल को ए का को ए निकाल दें, एसिटाइल बच जाता है. एसिटाइल के साथ आप एसिटिक एसिड के तीन कंपाउंड्स लगाए तो एसिटिक न्यूरामिनिक एसिड बन जाता है, ठीक है. इस पूरे को एब्रीविएशन में कहते हैं नाना. तो फिर बेटा क्या हुआ, आपका सेरामाइड ओलिगो सैकराइड प्लस नाना, ये बन गया आपका गैंग्लियोसाइड, जो गैंग्लियॉन्स बनते हैं आपके ब्रेन में. नेक्स्ट पे आ जाए, सल्फा टाइट्स, ठीक है जी. दीज सल्फो ग्लाइको स्फिंगो lipids, ठीक है जी. सल्फर भी आ गया, ग्लाइको भी आ गया, स्फिंगोलिपिड भी आ गया, और सल्फेटेड ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइट्स, ठीक है जी. ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइट्स कौन से थे? ग्लैक्टोस कहां पे ऐड हुआ था? जहां पे आपका ओलिगोसैकेराइड ऐड हुआ था. तो यही वाली बात सेरामाइड, सॉरी मेरी राइटिंग को एक्सक्यूज कीजिएगा, प्लस ओलिगोसैकेराइड यानी ओलिगोसैकेराइड गैलेक्टोज प्लस सल्फर्स, ठीक है, SO4, ठीक है, दैट इज सल्फाटाइड्स बन जाते हैं. तो फर्क क्या हुआ कि एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर से आपके एसिडिक स्ट्रक्चर बनते हैं बाय द एडिशन ऑफ यहां पे एसिटिक एसिड, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां पे सल्फेट आ जाता है, यहां पे एसिटिक एसिड का ग्रुप आ जाता है जिसको ड्यूरामिनिक एसिड कहते हैं, ठीक हो गया. Let's explain it in the diagram. सबसे पहले आपको बताते हैं नाना वाला स्ट्रक्चर. लुक एट हियर, ये सेरामाइड आ गया, दो आपके फैटी एसिड्स आ गए, स्फिंगोसिन ऐड हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन लिंकेज होगी गैलेक्टोज के साथ, ग्लूकोज के साथ, ठीक हो गया. तो यहां तक तो आपका वो बन गया साइड कंप्लीट. अब इस सेरामाइड ने बॉन्ड फॉर्मेशन की गैलेक्टोज के साथ, ये दोबारा से ऑक्सीजन लिंकेज होगी, यहां पे बन गया ओलिगो, ठीक है. अब यहां पे देखें इसके साथ एन एसिटाइल नाइट्रोजन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, ये वो वाला है बैकबोन जिस तरह आपने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे के जिनके अंदर ग्लैक्टोज या 6 कार्बन चेन कार्बोहाइड्रेट बैकबोन है. ये देखिए जी, इसके साथ यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये एसिटाइल लग गया, एसिटाइल कोलीन लग गया, और ये आपका ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर है. तो ये एन एसिटाइल ग्लूटामीन बन गया, ठीक है, ये ग्लैक्टोज के साथ बना, और इसके साथ इसके अंदर एडिशन हुई नाना की. नाना क्या चीज है ये देखे जी, एसिटाइल कोली एसिटाइल था उसके यहाँ पे कोए था, ये कोए निकाल के यहाँ पे इन्होंने ये देखे, सॉरी मेरे पास रबड़ नहीं है, खैर एनीवेज, ये कोलीन निकाल के इन्होंने, सॉरी ये कोलीन निकाल के यहाँ पे कोए निकाल के यहाँ पे एसिटिक एसिड COOH किया, ठीक है, यहाँ पे. और अब ये देखे COOH, CHOH, CH2OH, ये तीन एसिटिक एसिड ऐड हुए तो ये नाना बन गया, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर है. तो आप देखें जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है ना, ओलिगोसैकेराइड्स मीन सेरामाइड ओलिगोसैकेराइड, इसके साथ एक गैलेक्टोज
एंड एसिटाइल ऐड हुआ और दूसरा इसके साथ नैना ऐड हुआ। जब मैंने पीछे स्लाइड में आपको पढ़ाया था, लुक एट बैक, इधर मैंने जब आपको ये चीज पढ़ा रहा था तो मैंने जब यहाँ पे आपको बताया कि नैना ऐड हुआ है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड का बताया था। मैंने यहाँ पे एडिशनल एसिटाइल गैलेक्टोज की एडिशन का नहीं बताया था, मगर अब आपकी स्ट्रक्चर को जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिक कर रहे हैं। एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन भी ऐड हुआ और नैना भी ऐड हुआ, ठीक है, हो गया। उससे कंपैरिजन में जो आपका सल्फेटाइड्स है वो बहुत इजी है, ये आपका सेरामाइड बन गया। सेरामाइड अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्फिंगोलिपिड्स प्लस फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। आप देखे SO4, दिस इज SO4, ये कहाँ है H2 का, तो जो होगी इसकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिंकेज होगी, तो यहाँ पर S4 आ गया विद अ नेट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, इसने दूसरे को डीप्रोटोनेट करना है। तो डीप्रोटोनेशन इज वन ऑफ द फिगर्स और वन ऑफ द स्पेशलिटीज ऑफ एसिड, ठीक हो गया। ये तो खैर ऐसे ही एसिड है, हम लोगों को पता है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं सिंथेसिस। अब इसके बनने का तरीका, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस और सल्फाइड के एंजाइम्स हैं, ठीक, जिन्हों एक ग्रुप ए से लेके बी को देना है और खुद इसके कैरियर यानी ड्राइवर रहना है, ठीक है, और बी से जो चीज उतारेंगे वो वापस ए को दे देंगे। नॉर्मली जितने ट्रांसफरेजेस हैं, ये आप याद रखिएगा, जितने भी ट्रांसफरेजेस रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, दे आर ऑल रिवर्सिबल अनटिल लेस के इनके अंदर एनर्जी इस्तेमाल हो और एटीपी कंज्यूम हो। मगर अब आपकी डिटेल में आते हैं, लुक एट हियर, सेरामाइड हमें पता है क्या चीज है, दैट इज स्फिंगोलिपिड। इसके अंदर फॉस्फोटाइडाइलीन, ठीक है ना, आपको ये अगर ये ट्राइफॉस्फोटाइडाइल कोलीन होगा या फादर, तो फॉस्फोटाइडाइल कोलीन ऐड होके इसके अंदर से ये फॉस्फेट दे देगा इसको, ये इसके अंदर से फॉस्फेट डोनेशन करेगा। डाइएसाइल कोलीन बाहर जाए, ग्लिसरॉल बाहर चला जाए, या डाइएसाइल ग्लिसरॉल, यानी एक आपके पास है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, एक होता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है जी। टैग्स अभी मैंने पढ़ाए थे आपको बाइल के अंदर, अब आप देखें टैग्स होते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, अब ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल बन गया, यानी इसने एक एसिटाइल डोनेट कर दिया है, ठीक है ना। अब देखें जी क्या स्ट्रक्चर बना, स्फिंगोमाइलीन बना जिसको स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है, ठीक है ना। इसके अंदर एसिटाइल को ए जब एड हो गया, एसिटाइल को ए गोज इनटू द बीटा ऑक्सीडेशन, सो इट इज अ लिपिड स्ट्रक्चर अलोंग विद द फॉस्फेट, फिर ऐड हो गया, स्फिंगोसिन बन गया और सारा कुछ हो गया। तो दिस इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन अभी, मगर ये स्फिंगोलिपिड्स आपको पहले पढ़ा चुके होंगे, काम शुरू होता है। देखिए सेरामाइड आया, उसके ऊपर यूडीपी यूरोडाइन डाइफॉस्फेट ग्लाइकोजेनेट कर गया, डाइफॉस्फेट एजेंट बाहर निकल गया, ग्लाइकोज हो तो बन गया सेरामाइड ऑलिगोसैकेराइड्स बन गया, ठीक है। इसके साथ ऐड हुआ आपका फॉस्फोसाइल फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, जिसे पैप्स कहते हैं, ठीक है। पैप्स इसके साथ ऐड हुआ जिस जो के एक अगेन अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, सैम और पैप्स इज अमाइनो एसिड, मिथाइलेट अमाइनो एसिड, ठीक है जी।
ये जब ऐड होंगे तो ये सल्फराइजेशन करेंगे, ये जो फॉस्फोसाइल फॉस्फोसल्फेट्स हैं, ये जो सल्फर ग्रुप है इसका, ये इसको तो ये सल्फर टाइड, इसी पीछे के देखें, ये जो सल्फर टाइड्स के अंदर, ये आपको बेसिकली H2SO4 हमारे बॉडी में नहीं होता, ये बहुत बड़ा एसिड है, तो ये बेसिकली पैप्स के थ्रू आपको डोनेट हुआ। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तीसरी चीज सेरेब्रोसाइट्स, ठीक है जी, सेरेब्रोसाइट्स के अंदर भी यही हुआ कि गैलेक्टोज की डोनेशन हुई है, ठीक है, बाकी उसी तरह का है, मगर सेरेब्रोसाइट्स के अंदर सिर्फ आपका गैलेक्टोज ऐड हुआ। ठीक हो गया। तीसरी चीज है गैंग्लियोसाइट्स, मैंने आपको बताया था कि गैंग्लियंस बनते हैं, ठीक है जी, इसके अंदर देखें टू और मोर यूडीपी शुगर्स, यानी दो यूडीपी की गैलेक्टोजेस लगते हैं, इसको गैलेक्टोज देते हैं, ये ग्लोबोसाइट्स बनते हैं, यानी ग्लोबुलर बनता है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक साइक्लिक मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना, ग्रुप साइक्लिक मोनोफॉस्फेट आपने पढ़ा हुआ, सीएमपी जीएमपी, ये आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं, ये आपके एन एसिटाइल न्यूट्रेट को कैरी कर रहा होता है, ये अपना इसको एन एसिटाइल ग्लूटामिन देता है ग्लोबुलोसाइट्स के ऊपर, क्योंकि इसके साथ दो, एक एसिटाइल लग जाता है और एक दाना लग जाता है, और ये आपका गैंग्लियोसाइट बना देता है। ठीक हो गया, राइट। और ये सारे के सारे आपके ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स बन। नेक्स्ट डिग्रेडेशन, अब हमने बनने का तरीका बता दिया, पहले बताया स्ट्रक्चर क्या है, सिंथेसिस बता दी, टाइपिफाई कर दिया, अब हम डिग्रेड कर रहे हैं बेटा, मेक श्योर इनकी डिग्रेडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोसेस आर कॉल्ड आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। सो अगर गैंग्लियोसाइट्स की डिग्रेडेशन नहीं होगी तो लाइसोसोमल डिजीजेस आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी तरह आएगा कि बेटा नेम या एनुमरेट लाइसोसोमल एंजाइम डेफिशिएंसी डिजीजेस, नाम से नहीं कोई आपको लाइसोस, तो लाइसोसोम्स के अंदर ऐसे डिग्रेडिंग एंजाइम होते हैं, ऐसे डिजीजेस होते हैं irreversibles are being done, ठीक है, और चार्जर है किसी के पास, सी मोबाइल का चार्जर है किसी के पास, सी का चार्जर, ये क्या क्या बंद कर, इसे बंद कर क्या हो गया, चेंज कर ना स्क्रीन, ये क्या आ रहा है, किधर है मेरा Zoom, मुझे जरा म्यूट करो, अच्छा मैं शेयर स्क्रीन में आ रहा हूँ, सॉरी, ठीक हो गया, हो गया,
All right. Sorry, दरमियान में disconnection हुआ था. अच्छा जी, lysosomal enzymes degrade कैसे कहते हैं? Hydrolytically कहते हैं, यानी by the addition of water, ये सारे bonds तोड़ते हैं. और कौन से bonds तोड़ते हैं? They cleave specific bonds in the glycosphingolipids. Specific bonds अब क्या? आपको मैं बताऊंगा कि कौन-कौन से bonds ये तोड़ते हैं. In normal individuals, synthesis and degradation of glycosphingolipids are balanced. यानी ये जितने बनते हैं ये उतने ही टूटते हैं. यानी जिस तरह के net nitrogen balance है उसी तरह का net ये आपका sphingolipids का वो balance है. Okay. The next thing is If a specific lysosomal acid hydrolyzes the required for degradation of a partially or totally missing glycosphingolipids accumulates. अच्छा जी, जो lysosomal diseases हैं बेटा यहाँ पे ध्यान में रखें. Lysosomal diseases कौन सी diseases होगी? जो accumulation of glycosphingolipids होगा. और वो कैसे होगा? जब इनका सिंथेसिस और डिग्रेडेशन का पाथवे आपस में बैलेंस नहीं होगा तो अकॉम्युलेट हो जाएंगे स्फिंगोलिपिड्स. ठीक है, लाइसोसोमल लिपिड स्टोरेज डिजीज कॉज्ड बाय दीज डेफिशिएंसीज और स्फिंगोलाइपोडिसिस. ठीक है, स्फिंगोलिपिडिसिस. ठीक है, क्योंकि ये इसका नाम होता है. ओके, लिपिडोसिस की हम टाइप्स पढ़ते हैं और हम इसको स्टडी करते हैं. ठीक हो गया, चलते हैं आगे. ये तो टाइप्स हैं, मैं फिर से दोबारा से रिपीट करता हूँ. इन टाइप्स के हिसाब से इनकी डिजीजेस अलग है, न्यूट्रल और एसिडिक. ठीक हो गया, अब आप सबसे पहले आ जाएं कि जो आपके न्यूट्रल हो उनमें से कौन से है. नीमैन पिक डिजीज. ठीक हो गया, इसके अंदर स्फिंगोमाइलिन्स की अकोमुलेशन होती है. इसमें होता क्या है? अच्छा, स्फिंगोमाइलिन्स की एकॉम्युलेशन कहाँ पर बनी है? ये लाइसोसोमल डिग्रेडेशन आपके लिवर में होती है और आपके अपने ब्रेन टिश्यू के अंदर हो रही होती है. राइट, अब जहाँ पे ये जब डिग्रेड नहीं होंगे, जिस जिस साइट में, यहाँ पे जिस जिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन्होंने डिग्रेड होना है वहाँ पे नहीं होंगे, तो सबसे पहले क्या होगा? हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो जाएगा. अब हेपेटो स्प्लीनोमेगैली यानी दोनों बढ़ जाएंगे, हेपेटो और स्प्लीन बढ़ जाएंगे. इसकी वजह क्या है बेटा? जब हमने आपको ये सारे ओलिगोस्फिंगोलिपिड्स पढ़ाए हैं और अभी तक आपको ये ओलिगोस्फिंगोलिपिड्स पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर लिपिड भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी है यानी अमाइनो एसिड्स भी हैं और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स भी हैं. कार्बोहाइड्रेट का इतना इश्यू नहीं है, मगर जो लिपिड डिग्रेडेशन के लिए, लाइपोलाइसिस करने के लिए आपके जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो आपके होते हैं स्प्लीन से. सिमिलरली प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए भी जो एंजाइम्स आपके रिलीज होते हैं वो भी आपके होते हैं स्प्लीन से. यानी आपका ट्रिप्सिन और उसके साथ आपके पेप्सिन्स और आपके लाइपेज़ और अमाइलेज़ ये सारे एंजाइम्स आपके स्प्लीन से रिलीज होते हैं. जब आपकी ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स इकट्ठे हो गए हैं लिवर के अंदर, लाइसोसोम से उनको डिग्रेड करना है और लाइसोसोमल एंजाइम्स की एक्टिवेशन थ्रू स्प्लीन नहीं हो रही, तो एक बैकलैग प्रेशर आता है जिसकी वजह से ये दोनों ऑर्गन्स जो के साथ अटैच होते हैं और इनके अंदर एक पोर्टल सर्कुलेशन होती है, उसकी वजह से दोनों की इन्फ्लेमेशन होती है. अच्छा जी, न्यूरोडिजेनरेटिव कोर्स है. अब आप कहेंगे न्यूरोडिजेनरेटिव कोर्स कैसा है? हमने कहा था स्फिंगोमाइलिन्स आपकी माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन बनाते हैं. अगर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये उसका हेड है, ये उसकी बॉडी है और ये उसके डेंड्राइट्स है, तो ये जो उसकी माइलिन शीथ है ये आपके स्फिंगोमाइलिन्स बनाएंगे. जब इनको लाइसोसोम्स नहीं डिग्रेड कराते राइट ऑन द टाइम, तो फिर इनके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज बनती है और ये
रॉ टिश्यू के अंदर थ्रू प्रोटीनलिटिक एक्टिविटी ये डिग्रेड होते हैं, क्योंकि ये जो स्फिंगोमाइलिन ये बीटा शीट्स और बीटा प्लेटेड शीट्स से बनी होती हैं, ठीक है ना, प्रोटीन। तो होता क्या है कि जब ये एंजाइम्स आपकी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ना सिर्फ जो के ओवरली हेड एक्युमुलेटेड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आपके इकट्ठे हुए हैं उनको डिग्रेड करते हैं, बल्कि जो नर्व्स आपकी रेगुलर सप्लाई कर रही होती हैं उनको भी डैमेज करते हैं। नीमन पिक डिजीज के अंदर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता न्यूरो डिजेनरेशन होती है, यानी सबसे पहले लॉस ऑफ बैलेंस हो जाएगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे, आपका टच सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, फिर आपकी मोटर सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। और चेरी रेड मैक्यूला, मैक्यूला कहते हैं एक किस्म की गिल्टी को, एक किस्म की सिस्ट को, जो कि आपके ऑप्टिक नर्व के आसपास बनती है। सो दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ नीमन पिक डिजीज। उसके बाद फॉर्बर डिजीज है, इसके अंदर एकोमुलेशन होती है सेरामाइड्स की, जो कि नॉर्मल आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। पेनफुल प्रोग्रेसिव जॉइंट डिफॉर्मिटी, ये जो सेरामाइड्स हैं ये आपके कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ये आपके इंट्रो आर्टिकुलर स्पेसेस के अंदर इकट्ठे होते हैं। सबकुटेनियस नोड्यूल्स ऑफ लिपिड, आपने देखा होगा कुछ लोगों को गिल्टियां लिपिड की बनी होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि जी ये कोई नॉर्मल सी चीज है, इसको निकालने की नहीं जरूरत, वैसे उनको तंग नहीं कर रही होती है, और मगर कभी-कभार जब तंग करते हैं तो हम उनको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। तो जब ये सब, ये जो सब क्यूटेनियस आपके एडिपोस टिश्यू इकट्ठा हो रहा होता है, दैट इज अगेन बाय द लो या लैक ऑफ डीजनरेशन ऑफ सेरामाइड्स होता है। लेडन सेल्स वॉर्स क्राई टिश्यू शो ग्रैनुलोमेटस, ठीक है जी, ये अकोमुलेशन ऑफ द लेडन सेल्स हो जाएगी, ये होर्सेसनेस ऑफ आवाज हो जाएगी, और टिश्यू ग्रैनुलेशंस आपके नजर आएंगे, गिल्टियां बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। दिस इज वन डिजीज, दिस इज दूसरी डिजीज। आगे चल, गॉशर डिजीज। गॉशर डिजीज बेसिकली बच्चों के अंदर होती है, और ये बेसिकली उनके मसल डिस्ट्रॉफी की डिजीज है। जिन बच्चों के अंदर एक साल के अंदर अंदर उनका मसल पावर 3/5 या 2/5 तक भी अचीव नहीं होता, और उनके मसल डिस्ट्रॉफी के अंदर वो ओबीस होते जाते हैं, मगर मसल पावर नहीं होती, वो चल नहीं सकते, वो क्रॉल नहीं कर सकते, वो अपना हाथ में कोई चीज ग्रैब नहीं कर सकते, वो उनको गॉशर डिजीज है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है वो होती है टिश्यू बायोप्सी ऑफ मसल, मगर अब इसके अंदर क्या होता है, अकोमुलेशन ऑफ ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स हो जाता है, यानी ये एक सेंट्रल डिजीज है। मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, यानी ये कि जी जो जो आपके मतलब आपके ये जो ग्लाइकोसेरेब्रोसाइट्स स्टोर होने थे आपके लाइसोसोम के अंदर, और उन्होंने लाइसोसोम के अंदर डिग्रेड या डिफॉर्म होके फिर बाद में वैक्यूल्स के अंदर रिलीज होना था, वो नहीं होने हो पाते, उनके ना होने की वजह से आगे का जो फर्दर जहां पे इन्होंने जाके फंक्शन करना था वो सेरेब्रोसाइट्स ने, ये वहां पे पहुंच के फंक्शन नहीं कर पाते, एंड हेंस दे कॉज द वीकनेस। अब इसके अंदर भी क्या होता है, हेपेटोस्प्लेनोमेगैली हो जाएगी, ऑस्टियोप्रोसिस हो जाएगी, यानी वीकनेस ऑफ बोन हो जाएगी, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, और रेयर इन्फर्टाइल एंड जुवेनाइल फॉर्म्स हैं इसके। रेयर इन्फर्टाइल यानी फौरन पैदा हुआ, और जुवेनाइल यानी पैदा होते। क्रेब डिजीज, अकोमुलेशन ऑफ ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइट्स, ठीक है जी, मेंटल एंड मोटर डिटोरिएशन, ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस, एंड नियर टोटल लॉस ऑफ माइलिन शीट हो जाएगा। उसके बाद है ग्लोबॉइड बॉडीज बन जाएंगे, इसके अंदर ये चीज याद रखिएगा, इस पर हमेशा आता है कि ग्लोबॉइड बॉडीज किस डिजीज की लैंडमार्क है, दैट इज क्रेब डिजीज, ठीक है। दे आर ग्लाइकोलिपिड्स लेडन मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस जिन्होंने मैंने आपको बताया था कि आके टिश्यू को डिस्ट्रॉय करना होता है, तो ये जब सारे मिल जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके अंदर जान चल रही होती है, उस स्ट्रक्चर को ग्लोबॉइड बॉडीज कहते हैं, इन अ वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, और ये ब्रेन के अंदर बनता है, और उसकी वजह से ब्रेन का टिश्यू भी डैमेज होता है और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। फैब्री डिजीज इज एन एक्स लिंक डिजीज, एक्स लिंक यानी एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है, यानी इसकी ज्यादा प्रेवलेंस मर्द हजरात में है, ठीक है, खवातीन इससे मतलब कम या नहीं होती।
accumulation of globosides है. ये जी globosides वो हैं जिनके अंदर आपका नाना का पार्टिकल होता है, ठीक है, नाना डिजीज है. रेड पर्पल स्किन रैशेज हो जाएंगे, यानी स्किन के अंदर यानी सबकुटेनियस एक्युमुलेशन हो जाएगी. किडनी के अंदर जाके ये उसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक्युमुलेट होके और उसको भी डैमेज करते हैं. सिमिलरली हार्ट टिश्यू के अंदर ये मायोकार्डियम को भी डैमेज करते हैं और बर्निंग पेन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज. अच्छा, इसकी जो लो डिजीज है इसको एक चीज याद रखिए, फैब्री डिजीज के अंदर आपने बहुत से मर्द हजरात को देखा होगा वो ओल्ड एजेस में आके हम लोगों को कंप्लेन करते हैं कि बेटा यार मैं डायबिटीज का टेस्ट कराया, सारा कुछ कराया, मैं नॉर्मल है, मगर मेरे पैरों की तरह बड़े जलते हैं, मुझे चलने में बड़ा डिफिकल्टी होती है, या मैं जूतियां उतार के ऑफिस में बैठता हूँ या घर में मुझे बैठा मुझे बर्निंग सेंसेशन एट दी पामर साइड ऑफ द फुट होती है. अब ये नहीं है कि उनको ये फैब्री डिजीज है, द ओनली वन थिंग इज दैट कि दे आर गोइंग लैक of the enzyme for degradation. एक आपको added knowledge इधर दे देता हूँ. B12 और B6 are important. ये दो vitamins हैं, वो important हैं जो कि इन जो आपके globulocytes degradation के लिए जो enzymes lysosome में activate करने होते हैं उनके लिए ही जरूरी होती है. तो जिन हजरात के अंदर B6, B12 deficiency होती है वो और ये वो लोग नहीं है कि जो कि गोश्त कम खाते हैं, दालें कम खाते हैं, ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक रीजंस है. जिनके अंदर ये कमी होती है उनके साथ ये फैब्री लोअर डिजीज यानी फैब्री डिजीज ट्रेट आ जाता है, ये एक्चुअली होता नहीं है. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिजीजेज हैं वो है गैंग्लियोसाइटोसिस, ठीक है, ये अब आपके एसिडिक गैंग्लियोसफिंगोलिपिड्स की तरफ से, Tay-Sachs disease है, फिर है Sandhoff disease, ठीक है जी. इनको GM1, GM2 और GM2 यानी accumulation of gangliosides at the carot and keratin sulfate. Keratin sulfate आपके स्किन में होती है, इसके अंदर gangliosides भी add हो जाते हैं और keratin sulfate हो जाता है. ये दो चीजों की accumulation होती है. न्यूरोडीजेनरेटिव है, हेपेटोस्प्लेनोमेगैली, स्केलेटन डिफॉर्मिटीज है, चेरी रेड मैक्यूला इन द इन्फेंटाइल फॉर्मुला, अगेन चेरी रेड आ गया, ठीक हो गया. इन दोनों के अंदर इतनी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकती, मगर फिर भी आप लोगों के लिए जो लैंडमार्क हैं वो यही है कि डिजीज हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ केराटिन सल्फेट विद ग्लाइकोसाइड इज गैंग्लियोसाइटोसिस GM1, ठीक हो गया. Tay-Sachs डिजीज, accumulation of gangliosides GM2, ठीक हो गया. Rapid degenerative fetal neurodegenerative degeneration foreign हो जाती है और ये बच्चों में होती है. Blindness हो जाती है, cherry red macula फिर दोबारा से बन जाता है आपका, और muscular weakness और seizures होते हैं. तो इसके अंदर जो ये भी infantile disease है similarly, और Sandhoff disease दोबारा से जैसे GM2 globosides, same neurological symptoms as Tay-Sachs diseases. So if we इसमें से सवाल क्या आएगा, इसमें से सवाल आएगा आपने lysosomal diseases of acidic glycosphingolipids की name them and explain them. और name तो इतना ही होगा, explanation इतनी होगी. चले जाते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी. मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी अभी आपको मैं दोबारा से जिस वक्त आपको पढ़ाऊंगा, ब्लड रहीम प्रोफेरिया दोबारा से रिपीट होगा. बस अभी यहाँ पे ये इतना सा रखा है, accumulation of sulfatides हो जाता है. ये बेसिकली पैप्स की वजह से होता है और पैप्स वजह बेसिकली मिथाइल की वजह से होता है और मिथाइल बेसिकली फोलेट की वजह से होता है. तो ये आपको मैं बाद में भी पढ़ाऊंगा कि पैप्स एंजाइम का क्या काम होता है. और हाँ, अभी मैं आपको ये प्रोटीन्स में भी पढ़ाऊंगा. सो सिर्फ इतना लगा है, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फाटाइड्स, डीजेनरेटिव डिटोरिएशन, डीमाइलिनेशन, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस और डेमेंशिया फ्रॉम इन द इन्फेंटाइल. प्रोग्रेसिव पैरालिसिस का मतलब क्या होता है,
सॉरी प्रोग्रेसिव पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि यार इनके पहले लोअर लिम्ब पैरालाइज होते हैं, फिर ऊपर आते आते अपर लिम्ब पैरालाइज होता है, एंड देन एज सून एज द पैरालिसिस गोज अप टिल द लेवल ऑफ थोरैसिक कैविटी और इनके रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है तो दे डाई. सो दिस इज इट. अच्छा जी, दिस इज अ चार्ट ड्रिवन फ्रॉम हार्पर. इसकी ये इसी तरह आप याद रखेंगे, इसके ऊपर सवाल आएगा. लिपिड अकोमुलेटेड कौन से हैं? स्फिंगोमाइलिन से डिजीज बनी है नीमन पिक डिजीज, सेरामाइड से बनी है फैब्री डिजीज, ग्लाइकोसेरेब्रोसाइड से बना है गॉशर डिजीज, ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड से बना है क्रेव डिजीज, ग्लोबलोसाइड से फैब्री डिजीज, गैंग्लियोसाइड जीएम वन से बना है गैंग्लियोसाइडोसिस, गैंग्लियोसाइड्स जीएम टू से बना है टेशैश डिजीज, GM2 ganglioside से आपका बना है सेंस ऑफ डिजीज, और सल्फाटाइड्स जो आखिरी सल्फर है पैप्स वाले जो कंपाउंड्स है उनसे मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी बना है, यानी ल्यूकोडिस्ट्रॉफी यानी आपका मिथाइलेशन, एक्सेसिव मिथाइलेशन ऑफ आपके ल्यूकोट्राइन्स की हो जाती है. ल्यूकोट्राइन्स मैंने आपको अभी कल परसों बताया था कि कैसे बनते हैं, उन ल्यूकोट्राइन्स की फॉर्मेशन नहीं होती और वो ल्यूकोट्राइन्स आपके सेल में बढ़ जाते हैं एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिजीज. ठीक हो गया जी बेटा, ये आपकी ये वाली लेक्चर हो गया. अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर जी आपका है सेपरेशन टेक्निक्स. ठीक हो गया बेटा, आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया. ये टॉपिक बेसिकली अटैच है आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर. लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इसके सवाल आएंगे, ठीक है, मगर इसकी नॉलेज वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड लिपिड्स, और इसकी जो बेसिक फॉर्मेशनल मैकेनिज्म था वो मैंने बाइल में आपको पढ़ाया हुआ कि कैसे बनता है, और इसको अमीनो एसिड की इंट्रोडक्शन के बाद और आप लोगों को पता चलने के बाद कि एसिटाइल कोए क्या चीज है और किस चीज को नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, इसीलिए ये अभी आपको इंक्लूड करके पढ़ाया गया. बट दिस इज अ टॉपिक ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म और इनकी बेसिक केमिस्ट्री आपका टॉपिक था लिपिड केमिस्ट्री का. सो जो आपका टेस्ट आने वाला है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर आपके ये सेरेब्रोसाइट और लाइसोसोमल डिजीजेस इंक्लूडेड. आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं प्रोटीन केमिस्ट्री के ऊपर. सेपरेशन टेक्निक्स, यहां तक सबको समझ आ गई है बेटा? जिसको कोई प्रॉब्लम है प्लीज मैसेज लिखे, मैं उस पर वापस आऊँ, वरना मैं आगे जा रहा हूँ टेक्निक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एज अ डॉक्टर पता होना चाहिए, स्पेशली कोरोना वाले टाइम में तो आप लोगों को पता होना चाहिए. तो मैं टेक्निक्स पढ़ाने लगा हूँ, तो प्लीज किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कम अप विद दैट. मैं मैसेजेस आपके देख रहा हूँ. एनीबॉडी हु फील्स लाइक कोई चीज उसको मिस हो रही है या उसको नहीं समझ आ रही, आई ऑलवेज से यू कैन contact me personally, you can take my time any time of the day or night, I'm always available, I would appreciate, love and admire agar aap se koi bande mere se personally puchega aur koi cheez teach hoga telephone pe net pe ya jis kisam ke bhi, I'm ready to teach you as much as you guys need. Agar yahan pe please if you are awake and listening to me, agar kisi ko isme problem hai to mere se aa jao. खैर आगे चलते हैं बेसिक टेक्निक्स. टेक्निक्स के अंदर, अच्छा ये बेसिक टेक्निक्स के अंदर मैं तुम लोगों को फिर से बता दूं, बेसिक टेक्निक्स ये वो टेक्निक्स हैं या ये वो मेथड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है ना. सेपरेशन है इनको, सेपरेशन यानी अगर आप एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिस तरह आपने अभी ग्लाइकोसेरेब्रोसाइड्स पढ़े हैं, इसके अंदर ग्लूकोज है, लिपिड्स है, अमीनो एसिड्स है, अगर मैंने इसको तोड़ना है और मैंने इसमें से एसेस करना है कि इसके अंदर
क्या क्या चीजें हैं ये जो हमें पता चला है कि इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसमें नाइट्रोएसिटाइल भी है, हमने इसके अंदर हमारे लिपिड भी है, तो ये हमें कैसे पता चला? हमें ये ऐसे ही पता चला है ना कि जब हम लोगों ने इनको डिग्रेड करके, इनको सेपरेट करके एक एक चीज को आइडेंटिफाई किया। सो ये जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं, ये काफी किस किस्म की डिवाइड होते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये डिवाइड होते हैं एट द लेवल ऑफ सॉलिड कंपाउंड, फिर उसके बाद एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद डिवाइड होते हैं एट द लेवल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, और फिर डिवाइड होते हैं एट द लेवल ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसकी मिसाल ये है कि आप अगर आपको मैं कहता हूँ कि जी सेपरेशन टेक्निक्स को इसी तरह एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी से शुरू करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक बिल्डिंग के अंदर, अपने घर के अंदर पिलर्स और वॉल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, बड़े बड़े हैं, इनको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर आप जो ब्रिक्स हैं और सीमेंट, उनको अलहदा कर देंगे, ये आपका स्ट्रक्चरल लेवल पे सेपरेशन आ गई। फिर उसके बाद आप ब्रिक के अंदर, उसके अंदर आप उसकी जो मट्टी है जिससे वो पक्के बनती है, और उसके अंदर जो उसका मसाला वो आ रहा है, ये आप एट द लेवल ऑफ कंपाउंड आ गए। एंड देन इफ यू फर्दर डिग्रेड इट कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है, तो वो एट द लेवल ऑफ एटॉमिक लेवल आगे सेपरेशन आ गई। तो आगे चलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये पहली टेक्निक है। इसके अंदर आप सारे सोल्यूशन को, यानी सारा जो आपने जिस चीज को भी आपने सेपरेट करना है, उसको एक डाइल्यूशन के अंदर, एक सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं, और फिर उनको रोटेट करते हैं एक स्पेसिफिक आरपीएम, रोटेशन पर मिनट के हिसाब से रोटेट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जिस तरह आपने चॉपर में या ग्राइंडर में डाला हुआ है, तो जो भारी चीजें हैं उनके नीचे बैठ जाती हैं, जो लाइट चीजें हैं वो ऊपर चले जाते हैं। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ सेपरेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिस तरह इसका नाम है। इसकी जो रोटेशंस पर मिनट है या आरपीएम है, that is not in hundreds and thousands, it is in millions or thousands and millions, theek hai? Iske andar very fine components by the weight or centrifugation force alada hote hain. Ye iske andar jo mechanics of separation hai, wo hai force into mass, theek hai na? Ye mass ke basis pe और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। तो जब इससे फाइनर, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक तो नहीं खैर आप, मगर बहुत छोटे अमाउंट तक, ये फिर क्रोमैटोग्राफी, इसकी काफी टाइप्स हैं। क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है जिसके अंदर चार्ज प्लस साइज बेसिस पे सेपरेशन होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये वो टाइप है जिसके अंदर आपकी एटॉमिक सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। फिर फोटोमेट्री है, ये वो है जो ऑन द बेसिस ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट सेपरेशन होती है। रेडियो इम्यून एसे, इसके अंदर आपका जो रेडियो वेव्स हैं उसकी अब्सॉर्प्शन एंड ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होती है। Enzyme linked amino assay, this is bond ya charge, chemical charge ke basis pe ye ELISA hota. To ELISA to hum kafi karate hai na, aaj kal virus ka ELISA karwa rahe hain, phir hum log apne hepatitis ka ELISA kara rahe hain, sari cheez ho jata hai. Ye charge kis tarah hota hai, एंटीबॉडीज बनती हैं हमारी बॉडी में, तो वो ELISA उस टेक्निक को कहते हैं। आगे चलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन पे आगे इन डिटेल आते हैं। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट द लाइटर पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन फ्रॉम द हैवियर। एप्लीकेशन यूज इन अ लेबोरेटरी रिमूव सेलुलर डेब्रिस, यानी जो गंद है, फ्रॉम ब्लड सेपरेट्स एंड फ्री प्लाज्मा, यानी मोटे मोटे यार को जब हम खून की थैली को भी लटकाते हैं तो हमारे रेड ब्लड सेल्स नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, प्लाज्मा ऊपर हो जाता है, इस तरह के मोटे मोटे काम।
अच्छा जी, कंसेंट्रेट्स सेलुलर एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और ये फर्दर उनको फर्दर एनालिसिस के लिए तैयार करता है. सर्टिफिकेशन प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज एंड लाइगेंड्स फ्रॉम एंड फ्री लाइगेंड्स एंड इम्यूनोलॉजिकल एसे, ठीक है ना, ये इनके लिए इस्तेमाल हो सकता है, उनकी हेल्प करता है. एक्सट्रैक्ट सॉल्यूट्स फ्रॉम एक्वस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी मोटे मोटी यानी कार्बन इन नेचर वाली चीजें, बड़ी चीजों को उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेता है. सेपरेट lipid components from chylomicrons from the components of the plasma, yani chylomicrons phir lipid ke wo mote hote hain aur wo heavier hote hain, wo plasma se centrifugation ke through bhi separate ho sakte hain. To phir ye sawal ho sakta hai ke for the separation of chylomicrons which of the techniques is used, that is centrifugation. Aage chalte hain, ultracentrifugation. Ultracentrifugation is an indispensable tool for isolation of subcellular organelle, yani ek cell ke andar jo hai jaisa mitochondria, lysosomes, proteins and nucleic acids, theek hai, yani DNA. In addition, the technique is also applied to determination of molecular weight and macromolecules, theek hai na, wo molecule ka jo weight hota hai uske hisab se wo ko separate karta hai, jo macromolecules jo bade molecules honge wo bhi separate ho jayenge aur chote bhi ho jayenge. The rate at which sedimentation occurs in ultracentrifugation depends on the size and shape of the particle and micro molecules. Sir, rate of RPM iska, RPM iska hum us hisab se set karte hain jitna hamare paas fine granules hoga. The expressed in terms of sedimentation coefficient and is given by the formula below. अच्छा जी, इसकी जो फॉर्मुलेशन है इसको काउंट किस तरह करते हैं, इसको काउंट करते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के थ्रू, कि हर मॉलिक्यूल का हम लोगों ने एक चार्ट बनाया हुआ है दुनिया में. आज तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल और जितने भी हमें एटम्स मिले हैं, हमने उनका एक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बनाया हुआ है. उस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को आगे हम स्टडी करते हैं. लुक एट दिस, ये क्या हो गया? अच्छा जी, जी दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रेटिफाई द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन रेट. एस इज इक्वल टू वी ओवर ओमेगा स्क्वायर इनटू आर. वी क्या है? माइग्रेशन और सेडिमेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. जब बेटा आप एक पेंड ऑफ एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है इस तरह की, वो आप सेडिमेंटेशन के अंदर डालते हैं, इसके ऊपर कैलिब्रेशन होती है. जितना मॉलिक्यूल इसके अंदर जिस लेवल पे सेडिमेंट होगा, जिस भी लेवल पे सेडिमेंट होगा, उस लेवल को उस मॉलिक्यूल की माइग्रेशन और सेडिमेंटेशन कहेंगे. अगर वो इस लेवल पे होता है, ये फॉर एग्जांपल 0 है और ये 10 है, तो वो उसका माइग्रेशन या मॉलिक्यूल सेडिमेंटेशन, माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल या सेडिमेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल का नंबर कहलाएगा ओमेगा. रोटेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन रोटर और रेडियंस, ये आरपीएम है. आरपीएम यानी कितने राउंड्स घूमेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स. जितना तेज घुमाओगे उतनी फाइन सेंट्रीफ्यूगेशन होगी और उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, सेल्स आपस में से टूट जाएंगे, इतनी ज्यादा फोर्स लगेगी. सो आपने देखना है जिस सॉल्यूशन को आपने सेपरेट किया है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में किया, लेयर्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह उनके अंदर सेडिमेंटेशन या माइग्रेशन नजर आ रही है अब आपको सॉल्यूशन के अंदर, तो वो किस रेट पे आई है यानी ओमेगा कितना. दिस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हैज अ यूनिट of seconds, RPM seconds के अंदर होता है, ठीक है? It was usually expressed in unit of 10 to 13 seconds. Several biological macromolecules occur in this range, which was designed by one Swedberg unit. ठीक है ना, ये Swedberg unit होता है, ठीक है? Swedberg इसको SB भी कह देते हैं या Swedberg S unit भी कह देते हैं, SU कह देते हैं Swedberg unit. है कोई बंदा आ गया? मेरे next बैठी हुई है. अच्छा बेटा, बस इतना से याद रखो कि जो जो भी मॉलिक्यूल आप वेट के हिसाब से अलहदा करते हो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, उसका एक स्वेडबर्ग नंबर निकलता है, ये एस कोफिशिएंट. वो डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ माइग्रेशन इनटू द स्केयर ऑफ आरपीएम, ठीक है,
ओवर द रोटेटर, ठीक है ना, पर सेकेंड यानी टाइम के ऊपर, ठीक है जी, ये आपका स्वेट बैग यूनिट आता है। अब क्रोमेटोग्राफी को इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे और दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। बेटा एनीथिंग दैट यू वांट टू नो प्लीज कम बैक टू मी, आई विल बी मोर देन ग्लैड एंड हैप्पी टू इंशाल्लाह आंसर यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।